हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक इंटीजर्स चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7। क्वेश्चन 1 इज सेइंग दैट राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, ये ए पार्ट है, देन बी पार्ट डिफरेंस इज -10 एंड देन सी पार्ट सम इज 0। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन द रूल्स क्लियर कर लेते हैं जो कि कंफ्यूजिंग है, बच्चों कंफ्यूज करता है कि सर क्या रूल से कौन सा साइन लगाना है। तो देखो बेटा, व्हेन टू प्लस साइन नंबर्स और इंटीजर्स आर एडिंग, सेम साइन वाले इंटीजर्स जब ऐड होंगे तो सेम साइन आ जाएगा रिजल्टेंट। मतलब अगर दो प्लस साइन वाले नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो रिजल्ट तुम्हें प्लस में ही मिलेगा, प्लस साइन में ही मिलेगा, ठीक है। अगर दो नेगेटिव साइन वाले नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा, गॉट इट, ये याद रखो। तो सेम साइन या लाइक टर्म्स विल गिव यू द सेम टर्म, जो भी साइन ऐड हो रहे हैं वही यहाँ आ जाएंगे, गॉट इट। और अनलाइक टर्म्स जैसे हैं या डिफरेंट साइन है तो रिजल्ट क्या आएगा, फिर रिजल्ट आता है ग्रेटर न्यूमेरिक वैल्यू साइन। ये देख लेना कि बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, जो बिग नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसके पास साइन जो भी हो यहाँ लगा दोगे, ठीक है। नाउ अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा आसान लगेगा समझने में। तो ए पार्ट टेकिंग फर्स्ट, ए पार्ट क्वेश्चन है सम इज -7। सॉल्यूशन कह रहा है कि पेयर ऑफ इंटीजर्स बताइए, पेयर मींस टू, तो टू इंटीजर्स बताइए जिनका सम -7 आ जाए। तो यू कैन टेक -3 एंड -4 ले सकते हो तुम। देखो -3 प्लस -4 व्हेन विल डू, वी विल गेट -7। देखो ध्यान से, तो हुआ क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैंने यहाँ क्या बताया है कि जब दो सेम साइन वाले ऐड होंगे तो वही साइन आ जाता है, तो 3 के बाद भी माइनस साइन है, 4 के बाद भी माइनस साइन है, ऐड हो गए और रिजल्ट माइनस आ गया, -7, ठीक है। सिमिलरली और बना सकते हो आप, -2 एंड -5 ले सकते हो, तो -2 प्लस कर दो -5, यू विल गेट -7। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस के ले रहे हैं, कुछ डिफरेंट लीजिए, डिफरेंट ले लो। यू कैन टेक 0 एंड -7, ऐड करना है ऐड करो, 0 प्लस -7 करो, यू विल गेट -7। तो सो ऑन, तो हमने 3 लिए, 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स ले लिए, दे हैव आस्क्ड यू ओनली 1। अब पेयर हमने इतने सारे ले लिए, ऐसे ही सिमिलरली यू कैन मेक मोर इंटीजर्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, कमिंग टू बी पार्ट। नाउ बी पार्ट में दे आर सेइंग डिफरेंस इज -10, कि सर डिफरेंस लाइए -10 आ जाए। सो टू इंटीजर्स ले लो बेटा, क्या ले सकते हैं हम लोग, वी कैन टेक 1 एंड 11, 1 और 11 ले लो। तो 1 -11 व्हेन यू विल डू, तो रिजल्ट आएगा -10। देखो क्या हुआ, ये +1 है, ये -1 है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अनलाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब बड़ा 11 था, 11 के पास कौन सा है, माइनस, तो देखो रिजल्ट माइनस में आ गया। देखा, तो एक नियम भी याद रखो, लाइक टर्म्स एड्स, लाइक टर्म्स एड होते हैं, अनलाइक टर्म्स सब्स्ट्रैक्ट, और अनलाइक टर्म्स सब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये रूल भी तुम्हें याद रखना होगा। तो 1 -11 -10 आ गया। टेक अनदर एग्जाम्पल, यू कैन टेक 2 एंड 12, तो 2 -12 विल गिव यू -10। ये देखो माइनस क्यों कर रहे हैं, डिफरेंस मांगा है इन्होंने, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करो। तो एक ये बनाया, एक ये बनाया, ठीक, दो पार्ट्स हो गए। अब आते हैं सी पार्ट में, सी पार्ट में कह रहा है सम इज 0, तो बेटा 0 आना चाहिए, तो यू कैन टेक -5 एंड +5, ऐड करके देखते हैं। तो -5 में ऐड करो +5, ध्यान से देखो -5 +5 बटा क्या बचा, 0। सिमिलरली और ले सकते थे,
माइनस थ्री एंड प्लस थ्री, जरा ऐड करो माइनस थ्री में प्लस करो प्लस थ्री, माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल, यू विल गेट जीरो, फिनिश। आई होप समझ में आया, ऑल थ्री पार्ट्स वी हैव सॉल्व्ड, प्लीज प्रैक्टिस दीज थिंग्स, ओके, टिल देन थैंक यू।